वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि कराची को कोई ओन नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी 15 सालों से है, नहीं ओन करी, तबाह बर्बाद हो गया शहर। पीटीआई की हुक्मरानी रही, तबाह बर्बाद हो गया शहर। आखिरी काम अगर इस शहर में किसी का है तो एमकेएम के दौर का, मेरे जमाने का काम है 2005 और 2010 का, जिसमें कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। कराची के हकूक को छीनने के लिए ये इलेक्शन हमारे लिए नागुजीर है, और इस इलेक्शन को जीतने के लिए हमें 21 जनवरी को बाग जिना में जलसे में शिरकत करनी है, ताकि पूरे पाकिस्तान को हम इलेक्शन से पहले ये बता सकें कि ये शहर एमक्यूएम का है, हक परस्तों का है, और हम इस शहर में एमक्यूएम के झंडे के नीचे अपने खोए हुए हकूक हम वापस लेंगे। इस सिलसिले में एमक्यूएम इस जलसे को मुनक्द कर रही है 21 जनवरी बाग जिना शाम 4 बजे इतवार के दिन। तमाम कराची वालों के, तमाम रंग नस्ल जुबानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से सबसे गुजारिश है कि अपने सारे काम छोड़कर प्लीज इस जलसे में शिरकत करें और जालिमों को यह बताएं कि कराची का मजलूम मुत्तहिद है, अब हम हुकूक जो है वो छीनेंगे इंशाल्लाह ताला।